फील्ड्स में अभी नहीं। देखिए आज मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम हेजिंग करते हैं वो और भी ज्यादा आसान हो गया है हमारे लिए करना, बहुत ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हमें। कुछ टाइम के बाद हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा हेजिंग करना। तो उसी चीज को डिस्कशन करना है, कैसे क्या है किस तरह से है, वो चीज होने वाला किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा, वही सब थोड़ा सा डिस्कशन करना था। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग श्री, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग सीरीज, इसमें जरूर जुड़िए। ब्लॉग है www.blogspot.com, फेसबुक है हमारा हेजिंग स्ट्रेटजीज अभिनय मंडारी, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। ओके देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपसे डिस्कशन करूंगा, ये देखिए ये सर्कुलर आया 24 फरवरी को। तो ये सर्कुलर पूरा पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकला है, क्या है, किस तरह से है, वो मैं मेन आपको उसमें लेके चलता हूँ। बस आपको क्या इसमें मेन चीज क्या ध्यान देनी है कि ये 1 मई 2020 के बाद से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मीन्स बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब इस सर्कुलर में क्या है, कैसा है, किस तरह से है, वो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके लिए मैं चलता हूँ आपको लेके। अच्छा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडी, इसमें जरूर जुड़िए। ये ब्लॉग है www.blogspot.com, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, हम हमारे को जो समझाना है क्या हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अभी हेजिंग करना और आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अभी मैं बात करूं, अगर देखिए नेकेड की भी बात करूंगा, मैं हेजिंग की बात करूंगा। अभी अगर मैं निफ्टी को बाय करता हूं, सपोज ये 12,000 का रेट है, तो मेरे को मार्जिन कितना पे करना पड़ता है, 1,04,000 के आसपास, स्पैन प्लस एक्सपोजर मिला के। लेकिन अभी आगे जाके जो प्रपोज्ड है, जो होने वाला है, वो होगा 1,02,000 के आसपास हो जाएगा। मीन्स ये थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं SBI में पोजीशन लेता हूँ, तो अभी जो मेरे को मार्जिन लगता है 1,72,000 के आसपास, वो हो जाएगा 1,71,000। तो थोड़ा सा ही मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि नेकेड पोजीशन है, दोनों पोजीशन नेकेड है। अब देखिए मैं फ्यूचर अगर बाय करता हूँ यहाँ पर, और उसके साथ मैं पुट बाय करता हूँ 12,000 के आसपास, फ्यूचर ले रहा हूँ, 11,700 का पुट ले रहा हूँ, मीन्स पुट जो ले रहा हूँ मैं आउट ऑफ मनी का पुट बाय कर रहा हूँ। तो इस केस में मेरे को पहले मार्जिन लगता था 85,000, थोड़ा सा हैज है मेरा पोजीशन, 85,000 मार्जिन लगता था। अब मेरे को मार्जिन लगेगा कितना, 67,000। तो मेरे को ये 21% का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर, अगर मैं इस तरह से अपनी पोजीशन को हैज करता हूँ तो मेरा 67,000 में ही मेरा पोजीशन यहाँ पर ये बना सकता हूँ मैं। स्टॉक्स के केस में SBI में ये बाय कर रहा हूँ, और 310 का पुट बाय कर रहा हूँ, 322 में SBI मैंने बाय करा, 310 में पुट बाय करा, तो मेरा पहले मार्जिन लगता था 1,23,000, अब लगेगा 127,000। ये मार्जिन थोड़ा बढ़ गया है 3.75%, क्योंकि नीचे का आउट ऑफ मनी का पुट ले रहे हैं। वही अगर मैं निफ्टी में, आउट ऑफ मनी का पुट है इसलिए यहाँ पर बढ़ा है थोड़ा, निफ्टी अगर मैं बाय करता हूँ और एट द मनी का पुट अगर मैं बाय करता हूँ, निफ्टी बाय करने के साथ एट द मनी का पुट बाय करता हूँ, तो पहले मेरे को मार्जिन लगता था 85,000, अब लगेगा मेरे को 33,000। कितना लगेगा, 33,000 लगेगा, जो हो गया है -60%, 60% माइनस कम मेरे को मार्जिन लगेगा। अब मेरा ये पोजीशन बनाने में मेरे को केवल 33,000 की ही रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही अगर मैं SBI में पोजीशन बनाता हूँ एट द मनी का पुट लेके, तो पहले मेरे को मार्जिन लगता था 1,41,000, अब केवल 84,000 के आसपास लगेगा, 84,000 मार्जिन में ही मेरा काम हो जाएगा। मीन्स 40% मेरा मार्जिन कम हो गया यहाँ पर, 40% मार्जिन कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं ये पोजीशन लेता हूँ एट द मनी का, 12,000 का नेकेट कॉल अगर मैं सेल करता हूँ, 12,000 का कॉल, तो पहले मेरे को मार्जिन लगता था 91,000, यहाँ पर लगेगा 88,000। तो 2-3% कम हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं। SBI 322 चल रहा है, 330 का कॉल अगर मैं, सॉरी एट द मनी का कॉल अगर मैं बेचता हूँ 320 का, तो पहले मेरे को मार्जिन लगता था 142, अब लगेगा 172। तो मेरा यहाँ पे मार्जिन बढ़ गया है। ओके अब जो मेन चीज
मेन जो है वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ ये। हाँ देखिए, मैं कॉल अगर सेल कर रहा हूँ 12,000 का और एक कॉल बाय कर रहा हूँ ऊपर का 12,200 वाला, तो पहले मेरे को मार्जिन लगता था 86,000, अब मेरा मार्जिन हो गया 25,000। मैं ये पोजीशन 25,000 में बना सकता हूँ, 70% मेरा मार्जिन कम हो गया, 70% केवल 25,000 में मेरी ये पोजीशन बन जाएगी। लेकिन ये कब से इम्प्लीमेंट होगा वो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं आयरन काउंटर पोजीशन बनाता हूँ, सपोज एक मैंने ये कॉल सेल करा, एक कॉल बाय करा, एक पुट सेल करा, एक पुट बाय करा, तो इसके लिए पहले मेरे को मार्जिन लगता था 1,25,000, अब ये पोजीशन बन जाएगी मेरी 45,000 में ही। तो यहाँ पे भी सिक्स सॉरी यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो मेरा 65% मार्जिन कम हो गया है। अब देखो, ये पोजीशन बनाने में जहाँ 85,000 मार्जिन लगता था, वहाँ 25,000 में आपका काम हो रहा है, 70% मार्जिन कम हो जाएगा आपका। यहाँ पे 65% मार्जिन कम हो जाएगा, यहाँ पर 40% मार्जिन कम हो जाएगा, यहाँ पे 60% मार्जिन कम हो जाएगा। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब से होगा? 1 मई 2020 से, ये 1 मई 2020 से इम्प्लीमेंट होगा, मार्जिन कम हो जाएंगे 1 मई के बाद से। तो आप अभी से हेजिंग सीखिए और हेजिंग करना शुरू करिए। देखिए नेकेड, आप दोनों चीज देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अगर आप नेकेड काम करते हैं तो आपका 1 लाख की जगह 1,02,000 में काम हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप हेजिंग करते हैं तो आपका केवल 30,000, 40,000, 80,000, 25,000, 45,000 में काम हो जाता है। ये इम्प्लीमेंट होने के बाद, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जाके आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि लर्न हेजिंग, हेजिंग जरूर सीखे, किसी से भी सीखे, जरूरी नहीं मेरे से सीखे, आप खुद से भी सीख सकते हैं, मेरी वीडियो से भी सीख सकते हैं। मेरे से सीखना है तो मेरे नंबर 9699646408 इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर से, मेरे से भी हेजिंग सीख सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस की बहुत सी स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, इन स्ट्रेटजी से भी आप खुद से भी हेजिंग सीख सकते हैं यहाँ जाके। ओके, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिस पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं हमारी तरफ से। सब्सक्राइब करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।